आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम जो है यूजी का सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री का एग्ज़ाम कब होने को है, डेफिनेटली मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है, कब एग्ज़ाम होगा रांची यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री का। दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स काफ़ी वेट कर रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री का। तो आपके लिए जो है अब नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको जल्दी से एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और उसके साथ सबसे उसके पहले ये बता दूं कि आपको उसके पहले यूनिवर्सिटी की रोल नंबर मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप एग्ज़ाम में कैसे आप अप्लाई करेंगे, ओके। तो यूनिवर्सिटी के रोल नंबर मिलेंगे आपको, उसके बाद आप जो है अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपके डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगी और इसकी जो जो लास्ट डेट होगी वो 15 मई तक आप जो है आप जो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन इसकी नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं करे, वो जल्दी से लग जाएं, इसलिए कि 15 मई तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और बहुत चांसेस है कि आपका 20 या 25 मई के आसपास से एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं दिखा दूं आपको, सबसे पहले जो सेमेस्टर वन की जो सेशन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, सेमेस्टर वन की जो सेशन है, एक सेशन है 2022 से 2025, ये ओल्ड वाले हैं जिनको हम कह सकते हैं CBCS, जिनका जो कोर्स चलता है CBCS, ठीक है ना। और एक जो है आपका सेमेस्टर वन जो है साथ में ही होगा एग्ज़ाम सबका, सेमेस्टर वन वो है 2022 से 2026, ठीक है। और ये जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले जो है, ठीक है, ये दोनों के एग्ज़ाम जो है साथ में ही होगा और दोनों के जो है एग्ज़ाम जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे सबके लिए है। और सेमेस्टर थ्री का जो सेशन है ये आपका 2021 से 2024, ये सेशन वालों का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से। और आपको जो है अभी आप में से बहुत सारे लोग सेमेस्टर थ्री के एडमिशन ही ले रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत जल्द जो है फॉर्म भी फिलअप करना है एग्ज़ाम के फॉर्म, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप चूंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं हो जाए इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, जल्दी जल्द से जल्द आप जो है अपने आप को तैयार कर लें, कैसे फॉर्म फिलअप करना, सारी इन्फॉर्मेशन, खास करके सेमेस्टर वन वालों के साथ थोड़ा परेशानी हो सकती है चूंकि नए स्टूडेंट है, कैसे करना है क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डिपार्टमेंट से लीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं सबका एग्ज़ाम या फॉर्म फिलअप सब साथ में होगा, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आपके पास दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आप अगर तैयारी पहले से है आपकी तो बहुत बढ़िया, आपको रिवीजन करना हो, तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको एकदम बहुत जल्द से शुरू करना होगा। आपके जितने भी कोर पेपर, आपकी जितनी जेनरिक पेपर है, ख़ास करके ये 2022-25 ओल्ड CBCS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जेनरिक पेपर है उनको भी फोकस करना है और जो जो कोर पेपर है उनको भी फोकस करना है, ठीक है। और जो ये वाले जो है सेशन के 2022-26 नया एजुकेशन पॉलिसी, इनके पास भी जो मैंने बहुत सारे जो नए पेपर्स जो इसमें ऐड हुए हैं ऑलरेडी मैं पहले से वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और क्या क्या पढ़ना आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि आप क्लासेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे कॉमन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे अगर आपने कोई IVC पेपर लिया हो या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो या फिर आपका जो मेजर पेपर हो, सब पे आप जो है पैरेलल फोकस कीजिए और सबके एग्ज़ाम में आप जब प्रिपेयर होंगे तो अच्छे मार्क्स आपको अचीव करने होंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना होगा, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इसी महीने के एंड तक होगा, शुरू हो जाएगा, और साथ में उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिकल भी होगी, इसलिए आपका आप ऐसे स्टूडेंट जिनका पेपर जो प्रैक्टिकल वाला होगा, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या फिर आपका BCA है,
ठीक है, या बायोलॉजी है, बॉटनी, जो भी ऑनर्स के हैं जिनका प्रैक्टिकल है, तो आप अपने अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी से, प्रोफेसर से आप जो है अपना जो प्रैक्टिकल कॉपी वो साइन करवा लें फटाफट, और जो लोग नहीं किए वो उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया ये काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है आपके लिए। आप जो है जल्द से जल्द इसकी तैयारी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।